नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे राजद नेता और पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह के खिलाफ पार्टी की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। 15 दिनों के भीतर इसका सुधाकर सिंह से जवाब मांगा गया था। पत्र के माध्यम से राजद विधायक सुधाकर सिंह ने तेजस्वी यादव को जवाब दे दिया है। देखने वाली बात होगी कि अब पार्टी उन पर क्या कार्रवाई करती है। बता दें कि सुधाकर सिंह के खिलाफ राजद के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने नोटिस जारी करते हुए लिखा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के संज्ञान में आया है कि एक बार फिर से आपने गठबंधन धर्म की मर्यादा का उल्लंघन किया है। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा था कि राजद के राष्ट्रीय अधिवेशन में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया था कि गठबंधन में शामिल दलों के शीर्ष नेतृत्व के संदर्भ में सिर्फ राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव या फिर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही बात करने के लिए अधिकृत है। इसके बावजूद आपने यानी सुधाकर सिंह ने इस प्रस्ताव का उल्लंघन किया है। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि आप कृपया 15 दिनों के अंदर ये स्पष्टीकरण दें कि क्यों नहीं आपके विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। गौरतलब है कि राजद विधायक सुधाकर सिंह बयानबाजी को लेकर लगातार चर्चा में रहे हैं। बता दें कि राजद विधायक व पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने राजद की अनुशासन कमेटी की ओर से अब्दुल बारी सिद्दीकी द्वारा भेजे गए नोटिस का जवाब भेज दिया है। उन्होंने अनुशासन कमेटी को भेजे गए जवाब में कहा है कि हमने पार्टी के अनुशासन को नहीं तोड़ा है। बता दें कि राजद विधायक व पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने राजद की अनुशासन कमेटी की ओर से अब्दुल बारी सिद्दीकी द्वारा भेजे गए नोटिस का जवाब भेज दिया है। उन्होंने अनुशासन कमेटी को भेजे गए जवाब में कहा है कि हमने पार्टी के अनुशासन को नहीं तोड़ा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगातार कड़वी टिप्पणी कर रहे सुधाकर सिंह के बयान को लेकर जदयू की तरफ से उन पर कार्रवाई की बात की जा रही थी। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैंने सुधाकर सिंह के बयान की वीडियो देखी है। महागठबंधन के नेता पर उनकी ओर से जो टिप्पणी की जा रही है वह उचित नहीं है। बात यहां तक पहुंच गई कि उन पर भाजपा की तरफ से बोलने के आरोप भी लगे। नोटिस की मियाद पूरी होने को थी इसलिए जवाब भेजा है। सुधाकर सिंह ने जब नोटिस के जवाब के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन्हें जवाब देने के लिए 15 दिनों का समय दिया था, मियाद पूरी होने को थी इसलिए मैंने जवाब भेज दिया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी ने मुझे जो नोटिस भेजा उसके औचित्य पर मैं कोई सवाल खड़ा नहीं करता। पार्टी के निर्णय को चुनौती देने का मेरा कोई अधिकार नहीं। ऐसे मैंने पूर्व में भी ये कहा था कि मैंने कोई अनुशासन नहीं तोड़ा और पार्टी की नीतियों के खिलाफ कोई काम नहीं किया। इस पर मैं आज भी कायम हूँ। टफकॉन XT 600 HCR TMT रिबा, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ टफकॉन XT के साथ।